बात और अफवाह उड़ रही है, इसको क्या माना जाए? उनके उत्तराधिकारी को लेकर इसको क्या माना जाए? ये एक बहुत असंभव सी बात है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में मात्र दो स्तर हैं। हमारे गुरुदेव हैं श्री आशुतोष महाराज जी और बाकी सभी उनके शिष्य हैं जो सेवादार हैं, और लोग बहुत अपनी अच्छी अच्छी पोजीशंस और अपने समृद्ध घरों को छोड़ करके महाराज जी के मिशन में एक सेवा, समाज की सेवा के उद्देश्य से उतरे हैं। तो उत्तराधिकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग किसी चीज के अधिकारी नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ सेवादार हैं। सेहत से तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, पता चले कि महाराज जी की सेहत से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सेहत से उनकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि इट्स अ स्टेट ऑफ एस्ट्रल एंड कॉस्मिक एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ फिजिकल बीइंग। सो एंड द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द कंप्लीट स्पिरिट हैज कंट्रोल ओवर द बॉडी एज वेल, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हेल्थ इश्यूज। माना जाए कि बाबा जल्द लौटेंगे, समाधि तोड़ेंगे? बिल्कुल, वो उनकी इच्छा है, वो जब भी लौटे। हाँ, उनके श्रद्धालुओं को उनके दर्शनों का इंतजार जरूर है, क्योंकि वो यहाँ आते हैं रोज, महाराज जी के दर्शन उनके शिष्य करते हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि जल्दी आए, जल्दी दर्शन दें। साथी जय भारती जी, जिनका साफ कहना है कि जो महाराज जी हैं वो अक्सर साधना में जाते हैं, लेकिन वो साधना से जल्द वापस लौटते हैं, और उनकी सेहत से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, और उनके श्रद्धालु जो श्रद्धालु हैं उनको इंतजार है कि बाबा कब वापस लौटेंगे। विवेक कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, जलंधर।